माझी साहब, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। देवी जी का स्वागत किया दफ्तर में, हुकुम के सामने दो तीन बार बोल भी दिया कि बड़े शुभ कदम पड़े हैं और जल्दी खुशखबरी आती होगी, और फिर वो खबर भी दे दी जो आपने कही थी। मारे लाड़े सर का तो चेहरा उतर गया होगा जी। और अगर हुकुम को पता चला कि लिस्ट के साथ छेड़छाड़ मैंने की है तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। क्यों फिक्र करे, कुछ ना होवेगो, क्योंकि मैं नुकसानी का सनी किसी और की कुंडली में डालने वाली हूँ। आपको पता है जिठानी साहब, घर के अधिराज और दफ्तर के अधिराज में बहुत अंतर है। यहाँ सब उनसे डरते हैं और वहाँ उनकी तारीफ करते थकते ही नहीं। मैंने उनकी पुराने दिनों की, उनकी शुरुआत की तस्वीरें देखी और एक ऐसा पहलू देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बिना जताए अपने लोगों की मदद की थी और वो लोग उनको भगवान मानते हैं, राक्षस को भगवान मानते हैं। थारे को अब भी देवरसा में उम्मीद की किरणें नजर आ रही है? सॉरी यार, तेरी कसरत के बीच में आ गया। दरअसल एक बहुत जरूरी काम है तो कल ऑफिस में रही। मारे को भी बहुत जरूरी काम करना चाहिए था, पहले वो निपटाऊंगा और फिर ऑफिस आऊंगा। कुर्ता क्यों ना है यहाँ पर, ये चल रहा है? अरे कोई है? एक कुर्ता भी ना हमारे यहाँ पहनने के लिए, अभी क्या पहन के सोऊंगा मैं? कोई है हमारी बात सुनने के लिए? क्या करूं मैं, कितने जाऊं? ये चल रहा है इस घर में, समझ ना आ रही मारे को। तू यहाँ पर क्यों आई है? वो आपने बुलाया ना, घर में कोई और ना है? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपने। मारे कुर्ते कहाँ पर है? एक कुर्ता नहीं है हमारा, रात को क्या पहन के सोऊंगा मैं यहाँ पर? वो महासा का आदेश था कि आपके सारे गंदे कपड़े धोने में डाले जाए, इसीलिए मैंने धोने के लिए। महासा को बीच में लाके ना मारे, गुस्सा मत दिलाओ, मत दिला। अब जाए यहाँ से, हमारे लिए कुछ पहनने के लिए लेकर आ, कुर्ता हो टी शर्ट हो कुछ भी हो, कहीं से भी लेकर आ, यो मारा आदेश है, जा जी अभी लाई।